सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी का रोहित रंजन, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, और आजम खान साहब का सबसे संगीन जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई है। अब किसानों को तो चार किसानों को अगर आप कुचल दें तो उसके बाद भी चार महीने में बेल हो जाती है। शायद यही बीजेपी का न्यू इंडिया है जिसका वो नारा देते हैं। बीजेपी कहती है कि अब की बार जाति पे वोट नहीं होगा, अब की बार विकास के नाम पे वोट होगा। तो बीजेपी खुद ही विकास की बात नहीं कर रही है, बता दीजिए आपकी जनसभा में बीजेपी वाले कोई विकास की चीज गिना रहे हैं। बीजेपी विकास का जिक्र ही कहाँ कर रही है, आप बताएं कौन सी रैली में बीजेपी के विकास की बात हुई है। तो ये आप रामपुर में क्या लोकल क्या मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा मानते हैं? देखिए, रामपुर के मुद्दे वही हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। बस रामपुर को जिस तरीके से पुलिस ने शौकिया मारा है, जेलों में बंद किया है, वो शायद जुर्म जाती आज तक के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं। दूसरा चुनाव है आपका, पहले और इस बार में क्या अंतर मानते हैं? लोगों की और ज्यादा मोहब्बत होगी। और आजम खान आपके साथ नहीं है इस बार, आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कमी खल रही है आपसे? ये जाहिर सी बात है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लोगों के दिल में आजम साहब रहते हैं और लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना नतीजा 10 मार्च को देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने अब्दुल्ला आजम को, और आजम खान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि पिता की कमी खलेगी, लेकिन